हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक यादव आप सब प्यारे प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारा गणित विषय का ये दूसरा चैप्टर है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या बीज बीजी व्यंजक का जोड़ घटाना गुणा और भाग। अगर आप देखिएगा, हमने आपको कहा था कि आपके डीएलएड 2 सेमेस्टर में जितना सिलेबस है हम आपको इस चैनल के माध्यम से उतना ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आपको 25 में से 25 मार्क दिलाने का काम हम करेंगे। आपको केवल इतना करना है कि हम आपको जितने भी वीडियो इस चैनल पे डालें आप सीरियल से उतना आप देख लीजिए। जैसा कि हमने पिछला एक वीडियो डाला है जो आपका चैप्टर एक है, आप उसको देखिएगा। फिर हमारा ये दूसरा चैप्टर है, तो दूसरे चैप्टर में आपके सिलेबस में जो दिया है बीजी व्यंजक का जोड़ घटाना गुणा और भाग, इसमें से 2 नंबर आना फिक्स होता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि अब इसको देखिए होता क्या है। हम आपको समझाते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि जैसा कि आप पिछली कक्षा में आप पढ़े होंगे कि हमारा जो बीज गणित होता है, ये बीज गणित होता क्या है, बीज गणित होता क्या है, बीज गणित में हमारा जो होता है ये जो नंबर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। तो अब हम यहाँ पे जैसे जान चुके हैं कि आप ये काल्पनिक जान चुके हैं, और दूसरी चीज आपने क्या पढ़ा, जोड़ घटाना गुणा और भाग आपको दिया है। तो हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले आप पढ़े होंगे क्या, व्यंजक। क्या पढ़े होंगे? व्यंजक। उसके बाद आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चार पदी, तो हमें उम्मीद है आप ये पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर का गणित का पढ़ा है, उसको देखिएगा। तो अब हम यहाँ पे आप देखिएगा कि अब यहाँ पे सर्वप्रथम जैसे आपका दिया जाता है, जैसे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या होती है, जैसे एक्स वाई जेड, जिनका मान हमारा अनिश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। तो आप यहाँ चीज ये भी देखिएगा कि जैसे जोड़ है, बीज गणितीय जोड़ में फिर हमारा जैसे क्या बनता है, जोड़ है, फिर उसके बाद क्या है, घटाना है, फिर उसके बाद क्या है, फिर गुणा है, फिर उसके बाद क्या है, भाग है। इन चारों का जो निचोड़ होता है वहीं से हमारा किसका निर्माण हो जाता है, सर्वसंख्या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सर्वसंख्या का निर्माण होता है। और उसके बाद हम सर्वसंख्या के जस्ट बाद हमारा क्या आ जाता है, गुणनखंड। क्या आ जाता है, गुणनखंड, जो आपके थर्ड सेमेस्टर में है। हम आपको इसे कहाँ पढ़ाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में है, तो हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके 2 सेमेस्टर में सिलेबस में दिया है। तो आइए हम सबसे देखिएगा बीज गणिती जोड़ घटाना। तो देखिए बीज गणिती का जोड़ घटाना पढ़ने से पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि बीज गणित में हमारे क्या होते हैं, पद होते हैं। क्या होते हैं? पद होते हैं। तो अब ये बीज गणिती में हमारे 2 प्रकार के पद होते हैं। कितने प्रकार के पद होते हैं? 2 प्रकार के। एक हमारा होता है सजातीय पद, एक होता है सजातीय पद, और दूसरा हमारा क्या होता है, विजातीय पद। तो अब हम देखेंगे सजातीय पद किसे कहते हैं, विजातीय पद किसे कहते हैं। तो आपको देखकर ही कुछ पता चलता होता होगा कि सजातीय जैसे समान पद, अर्थात जैसे सजातीय का मतलब ये हुआ कि कहते नहीं भैया कि जैसे सजातीय का मतलब हुआ क्या, जैसे यक्ष हुआ, फिर क्या दे दिया, 3 यक्ष। क्या दे दिया, 3 यक्ष दे दिया, अर्थात यक्ष इसमें भी है और यक्ष इसमें भी है। ये हमारा क्या हुआ, सजातीय पद हुए। अब जैसे फिर जैसे दे दिया क्या, 5 यक्ष, फिर क्या दे दिया, 6 यक्ष, ये भी हमारे क्या हुए, सजातीय पद हुए। अब फिर जैसे दे दिया क्या, जैसे 2x स्क्वायर, और फिर क्या दे दिया, 3x स्क्वायर, ये भी हमारा क्या हुआ, सजातीय पद हुआ। जैसे फिर दे दिया क्या, 2y स्क्वायर कामा 3y स्क्वायर, ये क्या हो गया, सजातीय पद। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर जो हमारा जैसे यहाँ यक्ष दिया, यक्ष है, और घात 1 है, 1 है, अर्थात जो हमारा पद होता है, अर्थात जो हमारा जो काल्पनिक संख्या होता है वो समान हो,
और उसका घात भी समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय पद। तो अब देखिएगा विजातीय पद किसे कहते हैं, तो विजातीय पद में जैसे आपका दे दिया क्या 3x 2i, अब यहां देखिए x दिया, यहां क्या दिया y दिया, तो ये हमारा क्या हो गया विजातीय पद हो गया। अब फिर यहां जैसे दे दिया क्या 4x2, फिर क्या दे दिया 3y2, तो अब ये क्या हो गए विजातीय पद हो गए। अर्थात जिसमें जो दो काल्पनिक संख्याएं हो, अर्थात यहाँ x भी है और यहाँ क्या है y है, तो ये हमारे क्या हुए विजातीय पद हुए। अर्थात जिनका मेल ना खाए वे विजातीय पद हैं और जिनका मेल हो जाए वे हमारे क्या हैं सजातीय पद हैं। तो अब देखिएगा इसका हमारा जोड़ घटाना गुणा भाग में बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आसानी से जोड़ घटाना गुणा भाग भी आप सीख जाएंगे। तो अब देखिएगा, अब आपको हम कैसे सिखाने का प्रयास करते हैं जोड़। आप हेडिंग डाल लीजिएगा बीजगणितीय जोड़। तो देखिएगा बीजगणितीय जोड़ कि हम देखिएगा जोड़ कैसे जोड़ते हैं। आपने जैसे अंक गणित में आपने पढ़ा होगा जोड़ में 2 + 3 = क्या होता है 3 × 2 = 5 होता है। अब यहीं पे अगर जैसे दे दिया जाए 2x + 3x, आप इसको कैसे जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा जोड़ में आपको केवल इतना करना है कि जैसे आप यहाँ देखिएगा 2x + 3x, तो आप यहाँ पे ये देखिए कि जो ये हमारी संख्या है, जो हमारा जो x है, जो हमारा पद दिया है, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, क्या है x है। तो अब यहाँ देखिएगा क्या होगा, x को हम कॉमन ले लेंगे तो अब यहाँ क्या बचेगा 2 × 3, अर्थात हमारा जो समान पद सजातीय पद, तो हम जो कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा x बचा, तो अब 3 × 2 = 5, अब यहाँ x है तो हमने क्या लगा दिया 5x लगा दिया। फिर आप यहाँ पे देखिएगा, फिर जैसे समझिएगा कि जैसे आपको दे दिया क्या 2x + 6x, क्या दे दिया, तो आप इसको जोड़ेंगे कैसे, अब यहाँ देखेंगे x यहाँ भी x यहाँ भी, तो इसका मतलब ये सजातीय पद है तो ये जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा 3 × 6 = 2 = 8 हुआ, यक्ष यक्ष तो हमने यहाँ पे यक्ष उतार दिया। फिर अगर जैसे आपको दे दिया क्या, जैसे दे दिया 2x² + 5x² को जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ेंगे, यहाँ देखिएगा जोड़ में आपको पहला कंडीशन ये देखना है कि क्या दिया हुआ जो हमारा जो चर पद है, अर्थात जो हमारा चर राशि है। अब देखिएगा आपने पढ़ा भी है गणित में, अब देखिए थोड़ी बात याद आ गई तो हम आपको बता देते हैं कि जैसे आपका जो राशि होता है गणित में, जो हमारा जो राशि होता है, राशि कितने प्रकार के होते हैं, राशि भी हमारा कितने प्रकार के होता है भैया, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या चर राशि, एक होता है चर राशि, दो होता है अचर राशि, क्या होता है अचर राशि। तो अब यहाँ पे देखिएगा चर राशि का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसका मान अनिश्चित होता है वे चर राशि कहलाती हैं, और अचर राशि का मतलब ये होता है जिसका मान निश्चित होता है, जैसे क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5 डाटा, अब ये हुआ एक्स वाई जेड का खा इत्यादि, ये सब क्या है चर राशि है। तो आप इसको जानिएगा, सिर्फ आप इसको समझिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो अब यहाँ देखिएगा, तो अब यहाँ बात आ गई क्या कि जैसे अब यहाँ जोड़ का है, तो जोड़ में जैसे 2x² + 5x², तो आप ये देखिए 2 तो हमारा अचर राशि हुआ, अचर राशि से कोई लेना देना नहीं होता है बीजगणितीय जोड़ में, केवल अगर हमें ध्यान देना है तो जो चर राशि दिया है, तो चर राशि में पहला कंडीशन जोड़ में राशि समान होनी चाहिए, दूसरा कंडीशन घात समान होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आपको मिल जाती है तो दी गई बीजगणितीय का जोड़ हम संभव हो सकता है, अर्थात हम इसको जोड़ सकते हैं। अर्थात देखेंगे कि अब यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो x² उतार देंगे 5 × 2 = 7x², यही क्या होगा आंसर होगा। अब फिर जैसे एक हम जैसे देख लेते हैं क्या, जैसे कह दें 2x² + 3x + 5x + कह दें कि जोड़िए 6x² को जोड़िए,
6x² को जोड़िए। तो आप यहाँ ये देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो राशि समान हो अर्थात सजातीय पद को एक तरफ लिख लीजिए। तो अब देखिएगा सजातीय पद कौन कौन से हैं इसमें, अब देखिएगा इसके सिमिलारिटी में क्या है। यक्ष यहाँ भी है, यक्ष यक्ष सब में है, लेकिन हमें सिमिलारिटी ढूंढना है जो उसके समान हो। तो इसके समान क्या है, यक्ष स्क्वायर यहाँ है और 6x² यहाँ है। तो इसको हम लिख लेंगे क्या, 2x² अभी प्लस का क्या लिख लेंगे, 6x², इसके सिमिलारिटी में ये है क्या होगा, +3x फिर +5x। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो क्या होगा, 6×2 8 x² को लिख लिए, फिर क्या होगा, 5×3 8 x, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसके आगे भी कर सकते हैं, 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी x यहाँ भी आ, इसको ऐसे 8x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 8x कॉमन लिए x +1, ऐसा भी आप लिख सकते हैं आपकी जैसे इच्छा हो। तो अब देखिएगा हम आपको वो बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ, देखिएगा कि अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जैसे दे दिया यदि k बराबर 2x² + 3x + 5 तथा k बराबर 3x² + 5x + 2 तो k धन k अर्थात इन दोनों पदों को जोड़िए, इन दोनों बीजी व्यंजक को जोड़िए, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। देखिए जोड़ेंगे कैसे, तो आपको देखिए दे रखा है, दे क्या रखा है, k बराबर क्या दिया है, k बराबर दिया है 2x² + 3x + 5 और फिर क्या दिया है, k बराबर क्या दिया है, k बराबर क्या दिया है 3x² + 5x + 2। आप इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, प्लस में क्या कर देंगे, अब इसको जोड़ेंगे क्या हुआ, 5×2 7 हुआ, फिर यहाँ पे प्लस है तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा सजातीय पद यक्ष यहाँ भी, यक्ष यहाँ भी, तो इसका मतलब यक्ष यक्ष है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यक्ष को आप उतार लीजिएगा, फिर क्या होगा, 5×3 8x हुआ, फिर यहाँ प्लस है तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ x², फिर यहाँ भी x², तो x² को हम यहाँ उतार देंगे तो क्या होगा, 3×2 5x², यही आपका क्या होगा आंसर होगा। या तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, अब इसको देखिएगा, या तो आप ऐसे इसको डायरेक्ट लगा लेंगे, या पूछा क्या है आपसे, का धन खा पूछा है, क्या पूछा है, का धन खा बराबर, तो मान देखिएगा का बराबर क्या है, का बराबर आप लिखेंगे क्या, का बराबर दिया है 2x² + 3x + 5 और फिर प्लस है तो क्या लिख देंगे, प्लस ख बराबर दिया है क्या 3x² + 5x + 2 दिया है। तो अब यहाँ देखिएगा कि हमने आपको बताया क्या कि जो सजातीय पद हों उनको एक तरफ लिख लीजिए और विजातीय पद को एक तरफ लिख लीजिए। तो अब यहाँ देखिएगा x² यहाँ है, फिर x² यहाँ है, तो आप ऐसे कर लीजिए, फिर क्या होगा 2x² + 3x² और फिर उसके बाद देखिएगा 3x यहाँ है, 5x यहाँ था, तो x सजाती हुआ क्या हुआ 3x + 5x फिर 5 फिर 2 फिर +5 फिर +2 तो बराबर क्या होगा 3×2 5x² फिर +5×3 8x फिर +7 यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका जोड़ हुआ। देखिए इसमें भी वही आया, इसमें भी वही आया, आपको जो भी आसान लगे आप वैसे ही लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन के माध्यम देखिएगा, अब वही क्राइटेरिया है, तो आपको देखिए क्वेश्चन दिया है, आपको निकालना क्या है a+b निकालना है। तो आपको a बराबर क्या दिया है, a बराबर दिया है 6x² + 3x + 5 और फिर b बराबर क्या दिया है, b बराबर दिया है आपको क्या 2x² + 3x क्या दिया है 5। अब आपको इसको क्या करना है, जोड़ देना है। देखिएगा जोड़ेंगे कैसे, तो इसको जोड़ना है, फिर क्या करेंगे 5×5 10 फिर प्लस, फिर यहाँ यक्ष है यक्ष लिखेंगे 3×3 6 फिर प्लस, फिर x² है तो x² 6×2 8 यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब हमें उम्मीद है कि आपको बीजगणितीय का जोड़
आसानी से समझ गए होंगे। हम आपको इसका प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको कम से कम गणित का जो है कि 10 प्रैक्टिस सेट देंगे। अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से देख लेंगे तो हम आपको फिर से कहते हैं कि आपको गणित विषय में 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। केवल हम आपको मैटर जितना दें आप केवल उतना पढ़िए, लेकिन हाँ आप कितने ईमानदारी से पढ़ते हैं ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अब आइए हम क्या पढ़ाते हैं आपको, बीज गणती घटाना। देखिएगा जैसा हमने बीज गणती जोड़ पढ़ा ठीक उसी तरह हमारा क्या है घटाना भी है। घटाने बीज गणती जोड़ में भी हमने दो बातों का ध्यान दिया कि पहली बात तो हमारा जो राशि है वो समान होना चाहिए, दूसरी चीज घात समान हो अर्थात सजातीय पद होंगे तभी उसका जोड़ संभव होगा। ठीक उसी तरह घटाना भी है कि अगर उसके उसकी राशि समान राशि और घात समान होंगे तभी उसका घटाना भी संभव होगा। कैसे कि अगर जैसे आपको कह दे क्या जैसे दिया 3x, अब 3x दिया है 3x का माइनस 2x तो अब देखिएगा क्या ये घटेगा। हाँ ये घटेगा क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है अर्थात राशि समान है और दूसरी चीज घात एक यहाँ भी है घात एक यहाँ भी है अर्थात घात भी समान है तो ये हमारा घटेगा। 3 में से 2 गए 1, x जो है कि हम क्या लिख लेंगे उतार लेंगे। या इसका सिर्फ मतलब ये होता है कि x हमारा समान है तो हम x को बाहर ले लेंगे तो बचे गया 3 माइनस 2, 3 में से 2 गए 1 तो यहाँ क्या बचा x। जैसे फिर से अगर आपको दे दे क्या 5x² - 2x² ये घटेगा कैसे, घटेगा कैसे कि अब देखेंगे x² यहाँ भी x² यहाँ भी तो इसका मतलब यहाँ जो हमारी राशि है समान है घात भी समान है तो क्या करेंगे x² को कॉमन ले लेंगे बचेगा क्या 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए 3 x² को लिख देंगे 3x² हुआ। चाहे तो आप यहाँ डायरेक्ट भी देख लीजिएगा, आप देखिएगा कि अगर राशि घात समान हो प्लस लिखा हो तो जोड़ देंगे माइनस हो तो क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 5 में से 2 गए 3 x² तो क्या हो जाएगा x² हो गया। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ये बेसिक था छोटा छोटा। तो अब हम आपको जैसे बताएंगे एक चीज और समझिएगा कि हमने आपको बताया है कि पढ़ेंगे क्या जैसे दिया है प्लस प्लस बराबर प्लस होता है प्लस माइनस बराबर माइनस होता है माइनस प्लस बराबर माइनस 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 बराबर क्या होता है प्लस होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है उस पर थोड़ा चर्चा हम करते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कि आपको 25 में से 25 दिलाना अर्थात बीजगणित से 2 नंबर आना फिक्स है तो आप उस 2 नंबर के लिए आप काम करिए। तो अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे, देखिएगा हम कैसे हल करते हैं कि दिया है a बराबर 3x² + 5x + 2 बी बराबर इतना दिया है तो a माइनस बी निकालना है। तो देखिएगा इसको हम हल कैसे करते हैं, दिया है क्या कि a बराबर दिया है 3x² + 5x + 2 अब b बराबर क्या दिया है, b बराबर दिया है आपका 2x² + 3x + 1 इसको हमें क्या करना है घटाना। अर्थात जब घटाना है तो घटाने में आप देखिएगा होता क्या है कि जब हम घटाते हैं तो सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं परिवर्तित हो जाते हैं, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 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 रहेगा तो प्लस हो जाएगा प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ये क्यों होता है हम आपको आगे बताएंगे बट आप इसको देखिएगा। अब यहाँ देखिएगा ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस तो हमने आपको यहाँ क्या बताया, जैसे यहाँ क्या होता है प्लस प्लस बराबर प्लस होता है प्लस माइनस बराबर माइनस माइनस प्लस बराबर माइनस 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 बराबर प्लस इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा प्लस माइनस है तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस है अर्थात ये क्या होगा घट जाएगा तो 2 में से 1 गए 1 चिन्ह वही लगेगा जो बड़ा रहेगा था प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ देखिएगा यक से यक से तो यक उतर गया अब प्लस 5 माइनस 3 5 में से 3 गए 2
चिन्ह मार्क प्लस का ज्यादा है तो हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब फिर यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया, लिख दिया, तीन में से दो गए एक, प्लस का चिन्ह ज्यादा तो प्लस का चिन्ह लग जाता, तो एक्स स्क्वायर धन दो एक धन एक, यही आंसर होगा। अब इसको देखिएगा, या तो आप ऐसे लगाइए या आप देखिएगा इससे आसान तरीका, देखिए कैसे समझाया जाता है। एग्जाम में आप ऐसे ही लगाएंगे, बट समझाने का जो तरीका है उसको हम बताते हैं कि दिया है क्या, कि अब हमें निकालना क्या है, a माइनस b निकालना है, a माइनस b निकालना है। तो देखिएगा a माइनस b निकालना है तो a बराबर क्या दिया है, a बराबर दिया है 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 5x प्लस 2, फिर क्या है माइनस है, माइनस रहे तो अगला जो हम लिखेंगे कोष्टक के अंदर लिखेंगे, तो अब यहाँ क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x धन 1, आप इतना लिखेंगे। तो अब यहाँ देखिएगा पहले में कोई परिवर्तन नहीं है, 3x स्क्वायर धन 5x प्लस 2, तो अब यहाँ देखेंगे कोष्टक जब हटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। तो अब देखेंगे, हमने आपको बताया है कि सजातीय पद को एक तरफ ले लीजिए, विजातीय पद को एक तरफ ले लीजिए, तो अब यहाँ क्या होगा 3x स्क्वायर, फिर क्या हुआ माइनस 2x स्क्वायर, फिर प्लस का 5x, फिर माइनस का 3x, फिर प्लस का 2 हुआ, फिर माइनस का 1 हुआ। तो अब यहाँ देखेंगे यहाँ प्लस 3 माइनस 2, प्लस 3 माइनस 2 घट जाएगा, 3 में से 2 गए 1, चिन्ह प्लस का ज्यादा तो प्लस लगेगा, तो अर्थात यहाँ क्या हुआ एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस तो घटेगा, 5 में से 3 गए 2, प्लस 2x प्लस 2 माइनस से क्या हुआ प्लस 1, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, जब दिया रहे तो अब जो हमारा लास्ट वाला पद होता है अगर माइनस लगा है तो सारे चिन्ह को हम क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उसके बाद हम जोड़ लेते हैं, प्लस माइनस है तो घटा देंगे, माइनस माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस प्लस रहेगा तो घटा देंगे, जैसा हमने आपको ये बताया है। तो अब देखिएगा हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से और देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन और दिया है कि 6x स्क्वायर धन 5x माइनस 2, बी बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3 धन 5, तो ए ऋण बी बराबर बताना है, तो अर्थात आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी बराबर निकालना है। तो आप देखिएगा ए बराबर क्या दिया है 6x स्क्वायर धन 5x माइनस 2, फिर उसके बाद माइनस है तो क्या लगा दिए हम, माइनस लगा दिए, उसके बाद जो लिखेंगे हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे, तो अब ये क्या दिया है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x विधान 5 दिया है। फिर अब उसके बाद हम करेंगे क्या, अब यहाँ लिखेंगे क्या 6x स्क्वायर धन 5x माइनस 2, जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात यहाँ प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस 3x, प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, जो सजातीय पद है उनको एक तरफ लिख लेंगे, तो बराबर क्या होगा, जैसे दे दिया क्या कि अब यहाँ 6x स्क्वायर यहाँ, फिर माइनस 2x स्क्वायर, फिर प्लस 5x हुआ, अब फिर क्या होगा प्लस 3x होगा, फिर माइनस 2 हुआ, माइनस 5 हुआ, 6 में से 2 गए क्या होगा 4x स्क्वायर, 5 3 8x माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये घटाना भी समझ में आ गया होगा, तो अब आइए हम आपको गुणा की तरफ ले चलते हैं। देखिए अब गुणा हम कैसे करते हैं बीजगणित में, आपने जैसे अगर पढ़ा है गुणा, अगर जैसे आपने पढ़ा है कि जैसे अगर दिया हो क्या कि जैसे 2 1 3 गुणे क्या दिया हो 12, आप इसको गुणा कैसे करते हैं, अगर जिसको 12 का टेबल याद है तो वो डायरेक्ट 12 से कर लेता है, नहीं तो आप करते क्या है 2 3 6 2 1 2 2 2 4 1 3 1 2 2, आप इसको जोड़ लेते हैं 6 हुआ, 3 2 5 हुआ, 4 2 656 हुआ, ये हमारा रहा अंकिक अंकों का गुणा। तो आप देखिएगा ऐसे बीजगणित का गुणा होता है वो कैसे होता है, इसको हम समझते हैं कि अगर आपको जैसे यहाँ दिया है x,
क्या दिया है यक्ष, कहा कि यक्ष से गुणा करिए, यक्ष को यक्ष से गुणा करिए, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिएगा, गुणा में सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि केवल राशि समान होना चाहिए, घात चाहे समान हो चाहे असमान हो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ देखिएगा क्या होगा, अब यहाँ राशि समान है, अब यक्ष का गुणा यक्ष से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, यक्ष स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, एक कम एक अर्थात एक का है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ देखेंगे कि बीजगणितीय गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ पे घात एक है, यहाँ पे एक है, तो क्या होगा, एक एक दो, जैसे फिर से दिया क्या, दो यक्ष गुणे तीन यक्ष स्क्वायर, अब इसका गुणा क्या होगा, दो तिहाई छह यक्ष, यक्ष यहाँ भी है, यक्ष यहाँ भी है, तो यहाँ यक्ष होगा। लेकिन अब यहाँ डिपेंड ये देखिएगा, यहाँ पे घात एक है, यहाँ दो है, जुड़ेगा दो एक तीन, अर्थात क्या हो जाएगा, छह यक्ष घात तीन। जैसे फिर से आप देखिएगा, जैसे दे दिया पांच यक्ष गुणे दो यक्ष स्क्वायर गुणे तीन यक्ष, अब इसका गुणा कैसे करेंगे, पहले अंकों का गुणा कर लीजिए, पांच दो ना दस तिहाई तीस हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा यक्ष यहाँ भी, यक्ष यहाँ भी, यक्ष यहाँ भी, तो अब यहाँ देखेंगे हमने यक्ष लिखा, अब यहाँ घात एक है, यहाँ भी घात एक है, घात को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दो एक तीन एक चार, था तीस यक्ष घात चार। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब उसकी राशि समान हो तो देखिएगा कैसे, जैसे फिर आपको जैसे हम समझाते हैं क्या, कि जैसे आपको यहाँ दे दिया क्या, पांच यक्ष स्क्वायर गुणते तीन यक्ष घात चार, तो अब इसका गुणा कैसे करेंगे, पंक्तियाँ पंद्रह हुआ, अब यहाँ यक्ष यक्ष राशि समान है, तो हमने क्या उतार लिया यक्ष, अब घात को जोड़ देंगे, चार दो छह हुआ। या फिर आप ऐसे ही समझिए, जैसे कह दे क्या, यक्ष गुणे यक्ष गुणे यक्ष गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई, तो आप यहाँ देखिएगा इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, क्योंकि हमें उसी से गुणा करना है जिसकी राशि समान हो। तो यहाँ घात एक, यहाँ घात एक, यहाँ घात अर्थात जोड़ लेंगे तो क्या हो गया, यक्ष घात तीन, फिर गुणे क्या होगा, वाई घात तीन। लेकिन अब इसका गुणा इसमें नहीं होगा क्योंकि राशि समान नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है उस पे चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, देखिएगा आपके एग्जाम में जैसे अगर पूछ लेगा क्या, कह दे क्या यक्ष धन दो, अब फिर कह दे कि दो यक्ष धन तीन का गुणा कीजिए, तो आप देखिएगा गुणा कैसे करेंगे। देखिए एकदम सरल होता है, केवल आप देखिएगा समझिएगा, ये हमारा पहला पद हुआ, ये हमारा दूसरा पद हुआ, अब देखिएगा हम इसे गुणा करेंगे कैसे, कुछ भी नहीं होता है कि पहले गुणा आप देखेंगे इसका गुणा इससे करेंगे, क्या होगा यक्ष गुणे दो यक्ष, अब यहाँ देखेंगे यहाँ भी प्लस, तो हमने देखा प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, अब फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे, फिर क्या होगा यक्ष गुणे तीन, अब फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, अब दूसरा पद लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर चिन्ह देखेंगे प्लस यहाँ, तो प्लस यहाँ भी क्या होगा, दो गुणे दो यक्ष होगा, अब फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ क्या होगा प्लस दो गुणे तीन। तो अब देखिएगा अब आप इतना करेंगे तो अब क्या होगा, दो इक्कम दो, यहाँ भी घात एक यहाँ भी घात एक, तो क्या होगा यक्ष स्क्वायर, फिर यहाँ क्या होगा प्लस का तीन यक्ष होगा, फिर यहाँ दो दूना चार यक्ष, फिर प्लस दो तिहाई छह, तो अब यह क्या होगा, दो यक्ष चार तीन सात यक्ष, फिर प्लस छह, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो अब देखिएगा ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, अब एक क्वेश्चन और समझाते हैं। जैसे फिर अगर आपको दे दिया क्या, कि जैसे कह दिया पांच यक्ष धन तीन को यक्ष धन दो से गुणा करिए, यक्ष धन दो से गुणा करिए, तो आप देखिए गुणा कैसे करेंगे। तो देखिएगा
कुछ भी नहीं करना है आपको कि पहले देखिएगा, पहला पद लेंगे इससे गुणा करेंगे कि पांच कम पांच, अब यक्ष गुणे यक्ष क्या होगा यक्ष स्क्वायर, अब इसका गुणा इसमें करेंगे। लेकिन अब गुणा करने से पहले पहले चिन्हों का गुणा कर लीजिए, प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है तो क्या होगा प्लस ही होगा, पांच दूनी दस यक्ष, अब इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस 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 होगा क्या होगा तीन यक्ष, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस 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 होगा फिर तीन दूनी छह, अब इसको आप जोड़ लीजिए पांच यक्ष स्क्वायर दस धन तीन अर्थात तेरह यक्ष धन छह, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब फिर आप जैसे देखिए आपको कह देता है क्या कि जैसे कह दे पांच यक्ष स्क्वायर धन तीन यक्ष धन दो में दो यक्ष से गुणा करिए, में दो यक्ष से गुणा करिए, तो आप देखिएगा गुणा कैसे करेंगे, दो यक्ष से गुणा करिए तो देखिएगा आप गुणा करेंगे कैसे, आपको कुछ भी नहीं करना है कि अब देखिए दो यक्ष से गुणा करना है, किसमें करना है पांच यक्ष स्क्वायर प्लस तीन यक्ष धन दो में गुणा करना है। तो आप देखिएगा पहले इसका गुणा इसमें करिए दो पंचे दस, यहाँ यक्ष घात एक यहाँ यक्ष घात दो तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस यक्ष घात तीन, फिर इसका गुणा फिर इसमें करिए दो तिहाई छह यक्ष स्क्वायर यक्ष घात एक यक्ष घात एक तो एक एक दो, फिर प्लस 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 फिर दो दूना चार यक्ष, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, अगर नहीं आया है तो फिर से आप समझिए। फिर से एक क्वेश्चन दे दिया क्या कि यक्ष धन तीन, अब फिर कहते हैं कि यक्ष माइनस दो में गुणा करिए, में गुणा करिए, तो देखिएगा आप गुणा कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिएगा पहले लेंगे इसका गुणा इसमें यक्ष गुणे यक्ष, अर्थात यक्ष गुणे यक्ष क्या होता है यक्ष स्क्वायर, क्या हुआ यक्ष स्क्वायर, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, लेकिन अब यहाँ देखिएगा प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस बराबर क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दो यक्ष हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस यहाँ तो प्लस यहाँ भी होगा तो क्या हो जाएगा तीन यक्ष होगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा तीन दूनी छह होगा, अब यहाँ जोड़ लेंगे यक्ष स्क्वायर माइनस दो यक्ष धन तीन यक्ष क्या होगा प्लस का यक्ष माइनस छह, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो अब देखिएगा हम आपको केवल इस वीडियो में कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं, तरीका बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लगाएंगे कैसे, सिर्फ आप इसको देखिएगा, हम आपको प्रैक्टिस जब लेके आएंगे तो वहां पे क्वेश्चन पे बात करेंगे, एक के बाद एक क्वेश्चन होगा, हम आपको इतने क्वेश्चन हल करवा देंगे कि आपके अंदर जितने भी डाउट होंगे सारे दूर हो जाएंगे। तो केवल आप हमारे, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अपने उन मित्रों के पास भी भेजिए जिसको इस गणित विषय की आवश्यकता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको विज्ञान भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले हम गणित का चैप्टर जब समाप्त कर देंगे, गणित का सिलेबस जब हम समाप्त कर देंगे तब, तो अब देखिएगा हम भाग आपको समझाते हैं कि बीजगणितीय में भाग क्या होता है, कि बीजगणितीय भाग होता क्या है, कि भाग में आपने पढ़ा है अंकीय भाग, कि जैसे आपको 32 हुआ 32 को 3 से भाग करना है तो आप क्या करते हैं 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं 3 से ज्यादा ना जाए, फिर 1 फिर 2 यहाँ 0 अर्थात ये हमारा शेष हुआ, तो हमारा अंकीय भाग आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िएगा उसको अच्छे से। तो अब यहाँ देखिएगा बीजगणितीय भाग में हम आपसे चर्चा करते हैं कि अब इसमें होता क्या है, कि जैसे अगर कहा जाए क्या चार एक्स स्क्वायर को यक्ष से भाग करिए, तो आप कैसे भाग करेंगे, तो आप देखिएगा इसको ऐसे भी लिखेंगे, अब यहाँ जैसे चार एक्स स्क्वायर भाग को हम यक्ष भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यक्ष भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे करेंगे, अब यहाँ देखिएगा चार गुड़े यक्ष लिख सकते हैं भैया, कि जैसे अगर यक्ष स्क्वायर है यक्ष स्क्वायर को यक्ष गुणे यक्ष नहीं लिख सकते भैया, जैसे अगर दो की घात दो है तो इसको हम दो गुणे दो नहीं लिख सकते भैया, अगर जैसे यहाँ यक्ष घात तीन है तो इसका मतलब यक्ष गुणे यक्ष गुणे यक्ष लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भैया, तो ठीक उसी तरह जैसे चार यक्ष स्क्वायर था तो हमने चार लिखा यक्ष गुणे यक्ष,
बटे एक्स हुआ। अब एक एक्स से एक एक्स कट गया तो बचा क्या हमारा, चार एक्स। या तो आप इसको ऐसे हल करेंगे या आप इसको ऐसे देखिएगा कि ये हमारा होता क्या है कि अगर बटे में दिया है तो अब यहाँ पे जो घाते हैं जो घट जाती हैं। अगर जो समान राशि हो तो भाग में, अगर जैसे बटे में दिया हो तो घात को घटा दिया जाता है। अब इसको लिख लेंगे क्या, चार एक्स स्क्वायर भागे यक्स है, तो अब यहाँ घात एक है यहाँ दो है तो क्या होगा, दो में से एक गए चार एक्स। नहीं समझ में आया तो देखिएगा कैसे, फिर से देखिएगा। जैसे अगर आपको यहाँ दे दिया क्या कि जैसे कह दिया छह एक्स घात पांच भागे दो एक्स तीन, तो आप यहाँ देखिएगा छह को दो से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, तीन बचेगा। अब यहाँ घात अगर राशि समान है तो पांच में से तीन गए दो, अर्थात जो कि हम क्या करते हैं भाग में इसको हम घटा देते हैं, किसको, घात को। तो ये हमारा रहा बेसिक, ये आपको केवल जानकारी के तौर पे रखना है। तो अब देखा, देखिए इसका यूज कहाँ होता है, आपके यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है उस पर हम चर्चा करते हैं। कि जैसे आपको कि अब देखिएगा जैसे दिया है कि भाग करना है किससे, दो अक्ष से, तो आप देखिएगा अब इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, या आप इसको ऐसे लगाइए। देखिए छह एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस चार किससे भाग करना है, दो एक्स से, किससे भाग करना है, दो एक्स से। अब दो का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि छह से ज्यादा ना जाए, दो तिहाई छह हुआ। अब यहाँ देखिएगा यक्स में हम किससे गुणा कर दें कि यक्स स्क्वायर हो जाए, अर्थात यक्स से गुणा करेंगे तो अब यहाँ देखिएगा दो यक्स गुणे तीन यक्स बराबर क्या होगा, दो तिहाई छह यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर नहीं आ गया भैया, तो यहाँ क्या आ गया यक्स स्क्वायर माइनस, तो अब यहाँ हमारा क्या हुआ कट गया। अब बचेगा क्या, प्लस का आठ यक्स, तो अब देखिएगा दो चौ आठ प्लस का चार हुआ यक्स कम, अब चार से गुणा करेंगे चार दूना आठ यक्स, ये भी हमारा क्या हुआ जीरो हुआ। अब बचा क्या हमारा, प्लस का चार, यही हमारा क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा। तो देखिएगा जैसा आप अंकी गुणा में अंकी भाग में भाग करते हैं उसी तरह इसमें भी करना है। इसमें क्या रहता है कि जो दिया रहे, अब यहाँ जैसे चर राशि है तो इस राशि में किस राशि से गुणा कर दें कि क्या आ जाए, यक्स स्क्वायर आ जाए। देखिएगा एक क्वेश्चन से और समझाते हैं, आपको समझ आएगा, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। जैसे फिर दिया है दो यक्स से भाग करना है तो आप करेंगे कैसे, जैसे दो यक्स से भाग करना है क्या है, क्या है बारह एक्स घात चार प्लस चार एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स। अब देखिएगा भाग क्या करेंगे, तो इसका तरीका होता है इसमें हम किससे गुणा कर दें कि पहला पद हमारा क्या आ जाए, बारह एक्स घात चार आ जाए। तो अब यहां देखिएगा अगर दो में छह से गुणा कर देंगे तो दो छह बारह आया। अब यहां मेरे प्यारे मित्रों ये देखिएगा, यहाँ यक्ष घात एक है यहाँ यक्ष घात चार है, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो इस यक्ष की घात में कितनी घात से गुणा कर दें, अर्थात कितनी घात जोड़ के गुणा कर दें कि यक्ष घात चार आ जाए। तो अब यहाँ देखिएगा, अब जैसे यक्ष में किस घात से गुणा कर दें कि क्या आ जाए, यक्ष घात चार आ जाए, गुणे यक्ष घात तीन नहीं हो जाएगा भैया, तो क्या होगा तीन एक चार, यक्ष घात चार, अर्थात यक्ष क्यूब, छह यक्ष क्यूब से गुणा करेंगे, छह दूनी बारह, यक्ष क्यूब यक्ष वन, तो क्या होगा यक्ष घात चार, यहाँ माइनस हुआ कट गया, क्योंकि जो है कि आप पढ़े भाग में हमेशा घटता है, तो यहाँ क्या आया माइनस आया। अब यहाँ बचा क्या, प्लस का चार एक्स स्क्वायर, तो अब इसमें किससे गुणा करेंगे, प्लस आया तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ जो चिन्ह आएगा वही चिन्ह यहाँ लिखना है, प्लस आया प्लस लिख दिए, तो क्या होगा दो दूना चार, यहाँ यक्स है एक एक्स और आ गया, तो क्या हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर, यहाँ फिर माइनस ये कटा, अब बचेगा क्या छह एक्स, दो तिहाई यहाँ प्लस आया तो यहाँ भी प्लस लिख देंगे, दो तिहाई छह एक्स क्या आया जीरो, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो अब देखिएगा,
आपसे जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग में केवल बेसिक ही पूछता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछता है। हमने आपको केवल बेसिक बताने का प्रयास किया। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने जोड़ और घटाना गुणा भाग आपको समझा दिए, लेकिन आप थोड़ा भी ना घबराइएगा कि हमने आपको केवल सिंपल ही बताया। हम आपको बताए ना कि हम जिस दिन प्रैक्टिस लेके आएंगे आपके पास, अर्थात मॉडल पेपर, उसमें हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अब देखिएगा, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या, कि जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया क्या कि यक्ष धन 1/(x)(2) बराबर 1/2, तो यक्ष का मान बताइए, तो आप कैसे इसको लगाएंगे। आप इसको भी थोड़ा समझिएगा कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है कि इसका गुणा इसमें कर देना है, इसका गुणा इसमें करना है। कि अब यहाँ क्या होगा, 2 x + 1 = 1 है, 1 का गुणा किसमें भी करेंगे वही मान आएगा, तो बराबर क्या होगा, x+2। अब यहाँ क्या हुआ, 2 x + 2 = x + 2। अब देखिएगा, ये बन गया हमारा समीकरण। क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो अब यहाँ देखिएगा क्या होगा, इसको देखिए, समीकरण बना, समीकरण में दो पद होते हैं, एक चर राशि का एक अचर राशि का। तो चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ, प्लस है तो माइनस भी हो जाएगा, 2x यहाँ प्लस है तो माइनस, बराबर 2 - 2। अब ये प्लस 2 गया माइनस 2, अर्थात 2x बराबर में से x बराबर 2 में से 2 गए 0, आपका ये मान आया। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, केवल बीज गणिती का जोड़ घटाना गुणा और भाग है। आपको केवल इतना पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो जो हमारा अगला सेमेस्टर है, देखिएगा होता क्या है, बीज गणित का आप जोड़ पढ़ेंगे, जोड़ के बाद आप घटाना पढ़ेंगे, घटाने के बाद आप गुणा पढ़ेंगे, गुणा के बाद आप क्या पढ़ लिए, भाग पढ़ लिए। इन तीन चारों मिलके क्या बनाता है, सर्वसंख्या बनाती है। क्या बनाती है, सर्वसंख्या बनाती है। और सर्वसंख्या से ही हमारा किसका निर्माण हो जाता है, समीकरण का। किसका निर्माण हो जाता है, समीकरण का। तो देखिएगा, जो आपका पाठ्यक्रम बनता है, जो आपका सिलेबस बनता है, एक सीरियल से बनता है। अर्थात आपने क्या, फर्स्ट सेमेस्टर में आप केवल क्या पढ़े, व्यंजक पढ़े, व्यंजक के बाद एक पद, द्वि पद, त्रि पद, बहुपद पढ़े, या फिर बहुपद के बाद आप टू सेमेस्टर में आ गए, टू सेमेस्टर में आप क्या पढ़ रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा और भाग पढ़ रहे हैं। और जब उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, सर्वसंख्या पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, समीकरण पढ़ेंगे, वर्ग समीकरण पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। तो आपका वो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। तो आप थोड़ा भी ना परेशान होइएगा, जो एग्जामिनर, जो आयोग सिलेबस बनाता है वो आपके हित में बनाता है। आप उतना पढ़िए जितना आपके सिलेबस में दिया हो। तो अगर आप उतना पढ़ेंगे और ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो आपको जो है कि गणित विषय में 25 में से 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको, 13 चैप्टर है आपके गणित विषय में, तो 13 वीडियो डालेंगे, तो 13 वीडियो देखिएगा ये। उसके बाद 15-15 मिनट का 10 प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसको देख लीजिएगा। गणित में आपको 25 में से 25 आपको मिलेगा। तो अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तीसरे चैप्टर में। अब आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो मेरे लिए शेयर करना बनता है। तो आप अगर देखे हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए।